अच्छा, डूबने का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति वो होता है जो पानी में डूबता है, मर जाता है। थोड़ा समझ लेना कथा को। डूबने का मतलब क्या है कि तप साधना में पार्वती जी डूबी, भगवान की भक्ति में पार्वती जी डूबी, भगवान के भजन में पार्वती जी डूबी, एक भक्त भगवान के भजन में डूबा, भक्ति में डूबा। डूबने का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति वो होता है जो पानी में डूबता है तो मर जाता है। एक व्यक्ति वो होता है जो प्याली में डूबता है तो मर जाता है। एक व्यक्ति वो होता है जो अहंकार में डूबता है तो मर जाता है। एक व्यक्ति वो होता है जो लोभ में डूबता है तो मर जाता है। एक व्यक्ति वो होता है जो वासना में डूबता है तो मर जाता है। पर एक व्यक्ति वो होता है जो शिव महापुराण की भक्ति में, शंकर की भक्ति में डूबता है तो तर जाता है। पानी में डूबोगे तो मर जाओगे, प्याली में डूबोगे तो मर जाओगे, अहंकार में डूबोगे तो मर जाओगे, लोभ में डूबोगे तो मर जाओगे, वासना में डूबोगे तो मर जाओगे, पर शंकर भगवान की भक्ति में डूब गए मरोगे नहीं, तर जाओगे। डूबोगे तो तरना निश्चित है, मरना नहीं है, तर जाना।